गाइज़, अगर आप कसरौत तक आ चुके हैं और उसके बाद आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस साइड जाना है, तो ये देख लीजिएगा बोर्ड, ठीक है गाइज़। इस रोड पे जाना है, इस रोड पे मत चले जाइएगा, ये मंडलेश्वर रोड का है, ठीक है। पेट्रोल पंप भी आपको दिखा देंगे इसके साइड में, ठीक है। ये धर्मशाला के ठीक सामने आपको जाना है, कटा हुआ पेड़ भी है, ठीक है गाइज। ये देखिए, पेट्रोल पंप वाले रोड पर नहीं जाना है, वो मंडलेश्वर रोड का है, तो आप गलती से उस रोड पर मत चले जाइएगा, जो दूर से आते जिन्हें पता नहीं है, ठीक है। तो ये बोर्ड लगा है, यहाँ से जा सकते हो आप। ये देखिए बाइक भी आ रही है उस साइड से, ठीक है। लेट्स गो फ्रेंड्स, चलते हैं। गाइज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना। तो गाइज मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि वहाँ पे शूटिंग करना मना है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक झलक जरूर लेके आता हूँ, आऊँगा, ठीक है। तो वादा करता हूँ आपसे कि आपके लिए एक झलक जरूर लेके आऊँगा, ठीक है। चाहे वो मुझे उठा के फेंक दे, मोबाइल भी फेंक दे, लेकिन आपको वादा किया तो ठीक है, आपके लिए एक झलक जरूर मैं लेके आऊँगा संत सियाराम बाबा जी की, ठीक है गाइज। तो उनकी जो गौशाला वगैरह आएगी रस्ते में, हम उनकी भी शूटिंग करते जाएँगे, ठीक है। आपको प्रॉपरली पूरा बताऊँगा। ये देखिए पता है उनका, ये देखिए लेफ्ट साइड मुन्ना, ये देखिए दूरी 5 किलोमीटर, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, वरना दूसरे रास्ते चले जाओगे, ठीक है। ये थोड़ा हम आसपास की बता देते हैं चीज़ें। देखिए बस भी खड़ी है गुरुकुल की, ठीक है। ये दुकान वगैरह आप देख लीजिए, ठीक है। ये रोड है, लेफ्ट साइड मुन्ना है, क्योंकि एक सीधा रोड भी जाता है, तो आप वहाँ से मत चले जाइए। ये पिपलगोन के थोड़े ही आगे आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये गौशाला है, देखिए अभी काम चल ही रहा है इसका। ये देखिए गौशाला, ठीक है। हम इसे अंदर जाके भी बताएँगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा पूरा बताएंगे, ठीक है। ये देखिए यात्री प्रतीक्षालय है, ये बाबा ने ही बनवाया है, ठीक है। और नांगलवाड़ी में उन्होंने 2 करोड़ दान किए थे, ठीक है। तो इसमें और एक बात है कि वो अपने प्रत्येक भक्त से केवल 10 ही रुपये लेते हैं, उससे कोई ज़्यादा नहीं। तो उसमें अमीर चाहे अमीर जाए या गरीब, उनसे 10 रुपये ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आया है अमीर 10 लाख दे गया, 20 लाख, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 10 रुपये ही वहाँ पे, गरीब भी 10 रुपये ही चढ़ाएगा, अमीर भी। आप जितने भी दोगे आपको वापस 10 रुपये काट के दे दिए जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये गौशाला में हम लोग जाते हैं, उसके बाद गाइस देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ थोड़े बहुत बैठे हैं, और ये गाय देखिए गाइस, काफ़ी गाय है यहाँ पर, बहुत बहुत ही ज़्यादा गाय है। ये एक तो हमारी तरफ भी आ रही है, मारना दे, ठीक है, वरना यहीं पर हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। गाय पीछे मुड़ गई, शायद बंधी हुई थी, नहीं बंधी हुई है, ठीक है गाइस। तो ये देख लिया आप, चलो यहाँ से धीरे से निकलते हैं, वरना सभी गाय आ गई दौड़ के कचुंबर निकल जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये देखिए यहाँ पे लाइन लगी है, ये देखिए बाबा का ये घर जो भी है बोलते हैं, वो मंदिर यहाँ पे है। तो गाइस देखिए भट्टान बुजुर्ग में आना है आपको, ठीक है, भट्टान बुजुर्ग। ये देखिए काफ़ी लंबी लाइन है गाइस, काफ़ी लंबी, ये देखिए ख़त्म ही नहीं हो रही। ये मंदिर आ गया बीच में हमारी शूटिंग के बीच में, फिर भी ये देखिए यहाँ पर नर्मदा जी, ठीक है। तो बाबा यहाँ पे आते हैं सुबह सुबह, नहाते हैं, नारियल वगैरह फोड़ते हैं, ऐसा सुना है हमने, ठीक है गाइस। तो मैं खास आपके लिए स्पेशली, ये देखिए गाइस काफ़ी लंबी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन फिर आपके लिए वीडियो लाने के लिए कि आपको कैसे जाना है पता नहीं है बहुत लोगों को, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो गाइस ये देखिए बाबा की गाड़ी भी है शायद ये, तो अगर आपको दर्शन करना है तो आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि बाबा समाधि ले रहे हैं, और गाइस आपको पता है सरकार समाधि नहीं लेने देती, इसलिए बाबा किसी को बताएंगे नहीं और समाधि ले लेंगे। तो आप जल्द से जल्द उनके दर्शन कर सकते हो, आपके पास मौका है, ठीक है, इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। गाइस कुछ लोगों को तो खड़े होते होते उबासी तक आ गई है, तो ठीक है पानी है नर्मदा जी के पास, तो भाई लोग नहा आओ, ठीक है। और गाइस बाबा को 100 साल से भी ऊपर हो गए हैं संत सियाराम जी बाबा को, और ये जहाँ तक हमें पता चला है ये खाना सुनने में आया है, फ्रूट्स वगैरह ही खाते हैं, और ये हालांकि ये अब समाधि लेने वाले हैं इसलिए हमें पता चला है, तो हम आ गए हैं। तो अभी देखते हैं, ये देखिए संवंत 2032 कुछ लिखा है, तेली वगैरह कुछ, ठीक है गाइस इतनी दूर से हमें दिख नहीं रही, पास जाके हम लोग देखेंगे। काफ़ी लंबी लाइन है, तो यहाँ पे से कुछ हो नहीं रहा है, और लाइन छोड़ के हम लोग जा नहीं सकते हैं, ठीक है, जगह चली जाएगी, इसलिए आपको पूरा बताएंगे गाइस। आप टेंशन मतलब आपको बाबा की भी फ़ोटो बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आ नहीं पाएंगे, और बाबा का समाधि का चल रहा है, तो पता नहीं ये कभी भी हो सकता है। और आपको एक बात बता दूँ, हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, जहाँ तक सुना है हमने 5 बजे से उठ जाते हैं और एक ही जगह पर बैठते हैं, पर प्रसाद भी वो खुद ही बाँटते हैं, तो और काफ़ी गीता भगवत वगैरह जो भी है उन्होंने पढ़ ली है, और एकदम मतलब पूरे संत है। आपको असली संत देखना हो या ये मान लो कि भगवान ही देखना हो, तो आप यहाँ आ सकते हो, जीते जाते भगवान, ठीक है। तो ये देखिए उन मेला भी, मेले जैसे ही है, काफ़ी कुछ है, फ़ोटो वगैरह बिकती है उनकी ये, और काफ़ी देख सकते हो आप, भक्तों से ही आप पता लगा सकते हो कि कितने भक्त आए हैं, उससे ही पता लगा सकते हो कि आप कैसे संत होंगे ये, ठीक है। उन्होंने एक पाँव पे यहाँ पे तपस्या भी की है, जहाँ तक हमने सुना है, तो
गाइस काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। देखो पब्लिक भी काफ़ी सारी आई है, आप देख सकते हो हमारी लाइन कितनी लंबी हो। और हम टीका लगा लो, थोड़ी बहुत दक्षिणा दे दो तो आप अंदर जा सकते हो, ठीक है? ये टिकट है और क्या अंदर जाने का, तो ठीक है आप जा सकते हो। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, आप लगवाओ तो लगवाओ, ठीक है। और गाइस ये देखिए बाइक्स यहीं पे बहुत सारी खड़ी है। देखिए बाइक का तो है कि आप सिंगल रोड मतलब थोड़ी सी भी जगह मिली तो आप उसे अंदर आ सकते हो, इसलिए बाकी कार का वहीं पे आपको खड़ी करवा देते हैं पार्किंग में। ये देखिए आपको घर भी मंदिर भी बता देता हूँ उनका, ठीक है। ये देखिए आसपास काफ़ी अच्छा है, ठीक है गाइस। ये देखिए अंदर, और मैंने आपसे वादा किया तो ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। हालांकि शूटिंग तो यहाँ पर नहीं करने दे रहे, फ़ोटो वगैरह भी नहीं खींचने दे रहे, लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ आपके लिए, साइड से जाके करता हूँ, बाबा का दर्शन आपके लिए करवाता हूँ। तो ठीक है गाइस देख लीजिए, ये देखिए ये बैठे हैं और वो केवल पढ़ ही रहे हैं, वो पढ़ते ही रहते हैं और प्रसाद बांट देते हैं, ठीक है गाइस। अब वहाँ पे एक बंदे ने देख लिया था इसलिए हमें काटना पड़ा। ये देखिए हम बाहर आ गए हैं और ये बाहर की साइड का, ये देखिए घर का, ये देखिए गाइस ये पीछे की साइड से है। और ये देखिए लाइन कितनी लंबी रहेगी, देखिए हम, ये देखिए घर के पीछे भी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, ठीक है गाइस। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है, लेडीज़ जेंट्स सभी की, देखिए गाइस बराबर बहुत बहुत बड़ी लाइन है, ठीक है। तो हम थोड़ा पहले आ गए थे तो हमें तो इतनी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा था, काफ़ी टाइम हो गया था, तो बहुत बड़ी लाइन होती है, बहुत टाइम लगता है क्योंकि भक्त लोग ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए। तो गाइस अगर आपको जल्दी जल्दी आ जाइए क्योंकि आपको जल्दी आओगे तो जल्दी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, दर्शन हो जाएंगे। ये देखिए अभी टाइम हो गया था इसलिए इतनी लाइन है। ये देखिए लोग नहा रहे हैं सब कुछ, तो आप यहाँ पे आए तो मुँह हाथ ज़रूर धोइएगा, ठीक है, नर्मदा जी है तो। और गाइस बहुत लोगों को ये पता नहीं होता लेकिन देखिए 10 रुपये चढ़ाते हैं वहाँ पर, अब हमें नहीं पता, वो तो देखिए 10 रुपये ही लेते हैं इसलिए खुले वापस देते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि उनके पास से जो पैसे लेते हैं वो बरगद के रहते हैं ये वो, तो आप 20 का या 100 का या कुछ भी ऐसे दे दीजिए जो आपको खुले दे और उसे संभाल के रखिएगा, ठीक है गाइस। ऐसा सुनने में आया तो इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ, मुझे भी ऐसा सुनने में आया था, ठीक है गाइस। तो अब ये हम लोग नीचे से लेते हैं, नर्मदा जी में आए थे मुँह हाथ धोने तो यहाँ से ले रहे हैं। ये देखिए गाइस काफ़ी पब्लिक है, नारियल वाले यहाँ पे बैठे हैं, मतलब यहीं पे फेंको यहीं पे पकड़ के वापस, ठीक है गाइस। तो उनका तो ठीक है काम है, वो तो चलता रहता है, लेकिन काफ़ी पब्लिक है यहाँ पे, देख सकते हो आप जगह जगह बंदे भी फ़ोटो वोटो वगैरह खींच रहे हैं, कैमरे वगैरह लेके आए हैं, ठीक है। तो ये आपको इधर से बता देते हैं, ये देखिए घर, ये देखिए काफ़ी ऊँचाई पर बनाए क्योंकि ये शायद पानी यहाँ तक आ जाता होगा, ठीक है। हालाँकि अभी बारिश का मौसम तो नहीं है, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ तक आ जाता होगा इसीलिए ये देखिए गाइस यहाँ पे उबासी ले रहे हैं भाई, पास में ही नर्मदा जी। गाइस लाइन में लग के लोगों को बहुत उबासी आ रही है, वो आ कर रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे बच्चों के खिलौने भी है, ये देखिए आप राइट साइड ही है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी बाइक खड़ी है और ये देखिए जा रहे हैं काफ़ी लोग है। और देखिए अभी वो देखिए इतनी सारी बाइक है कि आपको बताता हूँ मैं आगे जाके, ठीक है। ये देखिए ये पहले तो शॉप्स का बता लेता हूँ काफ़ी दूर तक। और गाइस मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए पैदल पैदल जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एंड तक बताता चलूँ, ठीक है। भेल वाला गया, ठीक है, मस्त भेल रहती है, हम लोग पिछली बार आए थे खाए थे, लेकिन अभी 2 दिन बाद वापस आए तो ठीक है, आपके वीडियो के लिए आया हूँ तो वही काम करता हूँ, ठीक है गाइस। तो ये देखिए यहाँ से बाइक रखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप उधर से आओगे तो आपको पहले कार रखना होगी, ये हम लोग जाते टाइम ले रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये देखिए आपको सब जो भी वेफर वगैरह कुरकुरे वगैरह जो भी, ये देखिए ये, उसके बाद ये गाड़ी, ये काफ़ी लंबी बहुत दूर तक है, हम पैदल जा रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप कितनी दूर तक, ये देखिए इस साइड भी है जहाँ पर शॉप नहीं है वहाँ पर भी गाड़ी खड़ी कर दी है। ये देखिए ये काफ़ी लंबी लाइन है, काफ़ी लंबी, बहुत बहुत लंबी गाइस। ये देखिए बंदे मतलब काफ़ी रास्ते पे, पूरे रास्ते पे बाइक सी है। ये देखिए इस साइड भी है, घर बन रहे घर के साइड भी है, मतलब लोगों को जहाँ जगह मिलती है वहाँ खड़ी कर देते हैं, ठीक है। तो 2-व्हीलर का कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। बाइक्स तो देखिए गाइस हमने इधर कर लिया क्योंकि बाइक्स बहुत सारी थी, उनकी बाइक्स की लिया करते तो उनमें ही निकल जाता, ठीक है, 15-20 मिनट तो, ठीक है गाइस। अब हम लोग आ चुके हैं, अब कार वाली पार्किंग के साइड आ रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं, अगर आप
बाहर बाहर से अंदर की साइड आओगे तो आपको पहले कार पार्किंग मिलेगी, ठीक है। तो ये देखिए बाबा की फ़ोटो वगैरह लगी है, और ये पब्लिक वगैरह भी काफ़ी इधर से आते जाते दिख रही है, भुट्टे वगैरह सीक रहे हैं, ठीक है ठीक है। बंदे भी बोल रहे हैं वीडियो शूटिंग, ठीक है आप लोग भी आओगे तो ठीक है गाइस, हम लोग चलते हैं। ये कार वगैरह देख सकते हो आप कितनी खड़ी है, हमने बाइक्स तो बता ही दिए आपको, ठीक है। अब आप लोगों को कार वार बता देते हैं, देखिए काफ़ी आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो टू व्हीलर फोर व्हीलर कितनी आ रही है उससे ही। ये देखिए कार की पार्किंग भी बंदे ने हाथ दिया, उस साइड गाड़ी गई, ठीक है। तो पार्किंग की भी व्यवस्था ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए गाड़ी वगैरह, आपको गाड़ी गाड़ियों से ही पता चल जाएगा कि कितने लोग आते हैं यहाँ पे। ये देखिए एक तो बस भी खड़ी है, अब ये परमानेंट खड़ी है या फिर इसमें आए हैं अब ये नहीं पता है, ठीक है। कैंपस ऑफ द बेस्ट कॉलेज ये जो भी है, ठीक है। उसके बाद ये जा रहे, ठीक है भाई फोर व्हीलर अड़ा दी, ठीक है चलते हम लोग आगे, ठीक है। तो हमने पूरा ये कार पार्किंग देख लिया है, अभी एंड तक जाएंगे गाइस, आपको बोला है तो ठीक है फिर मैं एंड तक ही जाऊँगा जब तक कार लास्ट कार नहीं आ जाए। तो आपको पूरी पार्किंग भी बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो ये भी पता नहीं कहाँ तक लगी है, जगह जगह खड़ी करी है लोगों ने, लेकिन जब तक आखिरी कार रहेगी जब तक मैं जाऊंगा, ठीक है आपको कहा है तो जाऊंगा फिर उसके बाद, ठीक है गाइस। ये टेम्पो वगैरह भी आई है, मतलब इसमें भी काफ़ी पब्लिक घुस के आई होगी 10-12। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना। तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।